वेलकम टू द अभ्युदय आईएएस विद अतुल दुबे। मैं अतुल दुबे अभ्युदय आईएएस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने 2016 का पहला पेपर लिया है। साल भर में 2 बार पेपर होते हैं, तो ये पहला पेपर है। पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड है वो 52 नंबर क्वेश्चन पे है, तो पहले हम वो सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहला जो है क्वेश्चन है कि इसमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338 ए आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, 1990 में एक एक्ट लाया गया और 92 से उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करके नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया गया, इसलिए लेकिन इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं किया गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कानून बनाया गया इसलिए स्टैचुरी बॉडी है, लीगल बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो दूसरा वाला आंसर गलत होगा। तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, इसके लिए भी 1992 में एक्ट लाया गया, 93 में जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एग्जिस्ट किया, मतलब स्थापित हुआ, लेकिन इसके लिए भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न या इन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में इसको नहीं लिखा गया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। अगला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी लीगल बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आंसर होगा ए, केवल एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सारी संस्थाएं, ये सारे इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। इसके अलावा एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, ओबीसी कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे एससी कमीशन को 338 आर्टिकल में गिवन है, ये 338 आर्टिकल में, ओबीसी कमीशन 338 बी आर्टिकल में दिया गया है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में प्रोविज़न किया गया है। थोड़ा सा हम इसी में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी जो है बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें नहीं दिया गया, जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं वो हैं सीबीआई, आईबी, रॉ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल नेशनल वीमन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वीमन, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नीति आयोग, नीति आयोग, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कुल मिला जुलाकर कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में भी चर्चा हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड है वो 62 नंबर का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीकर को ना तो रिमूव करता है और ना ही अपॉइंट करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि स्पीकर का इलेक्शन होता है और वो मेंबर ऑफ द लोकसभा द्वारा इलेक्ट होते हैं और उसी के द्वारा रिमूव भी किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, द स्पीकर हैज़ टू डिस्चार्ज, द स्पीकर
हैज़ टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस हिमसेल्फ थ्रू आउट हिज टर्म एंड कैन नॉट डेलीगेट हिज फंक्शंस टू द डिप्टी स्पीकर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम द स्टेशन आर ड्यूरिंग हिज इलनेस। ये भी गलत है क्योंकि स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर चार्ज होल्ड करता है, अगर वो भी नहीं रहता है तो डिप्टी स्पीकर के अलावा 6 टेम्परेरी डिप्टी स्पीकर बनाए गए होते हैं जो स्पीकर के एब्सेंस में और डिप्टी स्पीकर के एब्सेंस में लोकसभा को प्रेसाइड करते हैं और साथ में स्पीकर के इक्विवेलेंट पावर होल्ड करते हैं। तो ये आंसर जो है नीदर वन नार टू, ये वाला आंसर सही होगा क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का क्वेश्चन है, द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वॉज कंसर्न विथ। हम इसके साथ आपको बता दें कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप में 1966 में बनाया गया और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ही लोकपाल को 1968 में लोकपाल जैसी इंस्टीट्यूशन बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। और जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में बनाया गया, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसके चेयरमैन बीरप्पा मोइली जी थे और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था वो गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, पुलिस रिफॉर्म से संबंधित था। तो ये पहला वाला आंसर सही होगा, रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द गुड गवर्नेंस, एक संस्थागत रूप से गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। तो पहला वाला आंसर सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो रिट से रिलेटेड है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 64 नंबर का क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिट ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू एन ऑर्डर। अब मैं बता देता हूँ, रिट इज़ ए टाइप ऑफ जुडिशियल ऑर्डर, इट इज़ 5 टाइप। द टाइप ऑफ रिट इज फर्स्ट हैबियस कॉर्पस, सेकेंड मैंडमस, थर्ड है प्रोविशन, फोर्थ है सरसरोरी, फिफ्थ है क्यू वारंटो। वो 5 प्रकार के रिट होते हैं जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रोविशन से। प्रोविशन का जो रिट होता है, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। प्रोविशन का रिट पेंडिंग केस पर इशू होता है, पेंडिंग केस पर इशू होता है, यानी कि केस में डिसीजन नहीं आया होता है, ठीक है। और ये जो रिट इशू होता है इसलिए इशू होता है क्योंकि कोई लोअर कोर्ट अपने पावर के बियॉन्ड जाकर कोई केस लेता है। जैसे एग्जांपल, लोअर कोर्ट को फंडामेंटल राइट के मामले पर केस लेने का राइट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट का केस लोअर कोर्ट द्वारा डील किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में अपर कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट प्रोविशन के थ्रू उस पर रोक लगा देती है जिससे जुडिशियल एरर रुक जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एज पर रिट के बारे में, प्रोविशन रिट के बारे में क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चेकआउट करना होगा कि सही है कि नहीं, इश्यूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो बिल्कुल सही है कि ये जो है प्रोविशन क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल के अगेंस्ट इशू किया जाता है। दूसरा है प्रोविट एंड इन्फीरियर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ पार्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई। तो ये हम बता ही चुके हैं कि जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं होता है, अगर वो भी इस केस को डील कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रोविशन इशू किया जाएगा। तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड, ये वाला स्टेटमेंट आपको क्यू वारंटो में नहीं मिलेगा, सॉरी प्रोविशन में नहीं मिलेगा। ये जो इशू किया जाता है वो क्यू वारंटो में इशू किया जाता है। तो ये प्रोविशन के मामले में नहीं संबंधित है बल्कि ये क्यू वारंटो संबंधित है। तो आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड है वो 72 नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया वर डिफीटेड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप, एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी ने फेस किया था। तो आंसर होगा ए। थोड़ा सा हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बता दें, ये केवल लोकसभा या लोअर हाउस में लाया जाता है। अगर स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा में लाया जाता है। इसका मतलब है कि ऐसा कॉन्फिडेंस मोशन जिसमें सरकार के विरुद्ध यानी अगेंस्ट द गवर्नमेंट फेथ या ट्रस्ट की चेकिंग की जाती है। अगर गवर्नमेंट के पास मोर देन 50% वोट का समर्थन यानी कि मेंबर्स का समर्थन नहीं है तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। और जब ये मोशन लाया जाता है तो उस हाउस में यानी कि लोअर हाउस में, खासतौर से लोकसभा में एग्जाम्पल, तो 50 मेंबर्स द्वारा ये प्रपोजल पास हो के जाता है। प्रपोजल पास होने के बाद चेयरमैन के परमिशन के बाद वोटिंग होती है। चेयरमैन का नाम यहाँ पर स्पीकर होता है, चेयरमैन परमिशन देगा, फिर वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर 273 जो कि लोकसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक होता है, अगर फेवर में वोट डालते हैं तो सरकार बनी रहेगी। अगर फेवर में नहीं वोट पड़ता है 273 तो सरकार गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा और करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। बिल्कुल सही है, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इन राज्यसभा। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन राज्यसभा 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये भी बात सही है क्योंकि 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है, अगर 250 में से 12 माइनस कर दिया जाए तो 238 आ जाएगा। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो यानी कि ए स्टेटमेंट, ए वन एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है, इट शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर इक्वली विद द लोकसभा इन मैटर्स सच एज सर्टेन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, ठीक है, जो है राज्यसभा को स्पेशल पावर होता है, ठीक है, लोकसभा को इस मामले में कम पावर होता है, इसे इसलिए इक्वल स्थिति में लोकसभा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए जिसका जो आंसर होगा वो ए होगा, एक और दो। 74 नंबर का क्वेश्चन जो अगला है, 74 नंबर का जो पॉलिटी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। 74 नंबर का क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन टू अ क्रिमिनल इन स्पेशल केसेस। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट 72 आर्टिकल में 5 प्रकार के पार्डन प्रोवाइड कर सकता है। सेम एज 161 आर्टिकल में गवर्नर 4 प्रकार के पार्डन प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें प्रेसिडेंट फुल पार्डन भी दे सकता है, गवर्नर फुल पार्डन नहीं दे सकता है, यही अंतर है। बाकी प्रेसिडेंट के चारों पार्डन गवर्नर भी दे सकते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा है, द प्रेसिडेंट कैन कैन प्रमुलगेट ऑर्डिनेंसेस इवन व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस तभी ला सकता है जब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई कोई एक मिनिमम रूप में कोई एक संस्था नहीं चल रही हो, मतलब व्हेन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन रनिंग पोजीशन तभी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। तो अगर दोनों चल रहे हों तो कानून बनाने की स्थिति रहेगी, तो जब कानून बनाने की स्थिति रहेगी तब तो ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा, तो स्टेटमेंट ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी। राज्यसभा डिसॉल्व भी नहीं हो सकती, इमरजेंसी की तो कोई बात ही नहीं है। इट इज़ अ परमानेंट हाउस विथ 6 ईयर टर्म्स, ऑन ईच 3 ईयर 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये परमानेंट हाउस है तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है।
चौथा स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट टू मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, दिस इज़ करेक्ट, इट इज़ रिटेन इन आर्टिकल 331। तो पहला और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर राइट, देन बी ऑप्शन इज करेक्ट इन 74 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, जो कि पॉलिटिक्स रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवेन बिलो आर करेक्ट, द आइडिया ऑफ अ कॉमन सिविल कोड इज सेट फोर्थ इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ करेक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 में दिया गया है। हालांकि भारत में यह लागू नहीं है, गोवा मात्र एक राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अभी भारत में इस पर डिबेट हो रहा है कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू नहीं है भारत में। दूसरी बात, इन सर्टन रिस्पेक्ट्स द हाई कोर्ट इन इंडिया हैव बीन गिवेन मोर एक्सटेंसिव पावर देन सुप्रीम कोर्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, हाई कोर्ट को रिट इशू करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। जैसे हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड अदर राइट्स सब पे रिट इशू कर सकता है, जब से सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट पे रिट इशू कर सकता है, तो रिट इशू करने के पावर के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अन्य कई मामले अन्य भी हैं जिसमें हाई कोर्ट को परमिशन ज़्यादा दिया गया है, पावर ज़्यादा दिया गया है। इसका मेन कारण पावर ज़्यादा देने का नहीं है, मेन मुख्य बात यह है कि जिससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भार कम हो, इसलिए हाई कोर्ट को परमिशन ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द फर्स्ट फुल्ली इंडिपेंडेंट कोर्ट फॉर द कंट्री वॉज सेटअप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, बिल्कुल दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट की थी, जो आधुनिक रूप में आज चल रही है। हालांकि 1773 के एक्ट से, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ नॉर्थ था, भारत में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में बना, ये आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं था। बाद में 1861 में ये जो 1773 का सुप्रीम कोर्ट था वो समाप्त कर दिया गया और हाई कोर्ट एक्ट आया। तीन प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता में तीन जगह जो है हाई कोर्ट बनाया गया 1861 में। ठीक है, फिर इसके बाद 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया गया। ठीक है, बीच में 1833 से प्रीबी काउंसिल को स्टार्ट किया गया था। तो ये जो फेडरल कोर्ट है और प्रीबी काउंसिल है, ठीक है, प्रीबी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट 1950 में 28 जनवरी को दोनों समाप्त करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसके पहले जज हुए एच जे कनिया। करंट आप जानते ही हो, शरद अरविंद बोबडे जी 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज की जो संख्या है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। इस समय जज की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 33+1 है, यानी 33 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर करेक्ट, द कैग विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अज्यूम्स ऑफ द ऑफिस, ही शैल वैकेट ऑफिस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 इफ अर्लियर देन द एक्सपायरी ऑफ द 6 year टर्म, दिस इज करेक्ट, कैग 6 आर 65
सिक्स आर 65, जो भी पहले अटेंड करे वो उसकी रिटायरिंग एज होती है। जैसे एग्जांपल, अगर 58 ईयर में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो 64 में रिटायर हो जाएगा, 6 साल पूरा कर लेगा। दूसरी बात, अगर 63 में अपॉइंटमेंट हुआ है तो 65 में वो रिटायर हो जाएगा, 2 ही साल वो रिटायरिंग एज उसके मतलब टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा। टोटल मेरे कहने का मतलब, या तो 6 साल पहला पूरा कर ले, या तो 65 यानी कि 65 साल पूरा कर ले। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द पावर्स ऑफ कैग आर डेराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड द वर्क ऑफ एंड पावर ऑफ कैग इज़ गिवेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 148 टू 151 आर्टिकल इन द यूनियन सेक्शन। अगला वाला, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला वाला है, द कैग इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये मल्टी मेंबर बॉडी नहीं है, पहली बात। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अगला स्टेटमेंट है, द कैग मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेबिलिटी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कैग को प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेबिलिटी के बेस पर स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा से पास करके हटाया जाता है, जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस टू रिमूव हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के इक्वल है। तो 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 83 में ए वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल इन द अवार्ड ऑफ डेथ पेनाल्टी वॉज फर्स्ट लेड डाउन। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का प्रिंसिपल है वो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में आया हुआ था। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। बहुत सारे बाद में केस आए, निर्भया हत्याकांड में भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का एक्सप्लेनेशन आया था। तो सबसे पहले 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये केस आया, मतलब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के रूप में। अगला क्वेश्चन 91, जो पॉलिटिक्स रिलेटेड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एलिसिट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही है, दिस इज़ करेक्ट। प्रेसिडेंट चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भेज सकता है और साथ में उससे ऐसे भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है जो सरकार को कानून बनाने संबंधित हो, सरकार जिस पर डिसीजन मेकिंग की स्थिति में हो। तो अगला स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। बिल्कुल सही है, कानून मामले पर जो कानून बनने जा रहा है उसके प्रपोजल के बारे में जानकारी जो है प्रेसिडेंट को देना होता है, ठीक है। ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, कोई भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है या उसके बारे में डिसीजन लेना है, उसकी सबकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से प्रेसिडेंट को देना होता है। 78 आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी डिसाइड की गई है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 91 में डी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 92 नंबर को क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम वीमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डाइवर्स एक्ट 1986 वॉज अपहेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ डाइवर्स, ठीक है, जो तलाक वाला राइट मुस्लिम वीमन का आया था, सबसे पहला जो ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का
वो शाह बानो केस के मामले में आया था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो के केस में। लेकिन इसके बाद, ठीक है, इसकी वैलिडिटी, ये केस, मतलब इस एक्ट, ये एक्ट जो है शाह बानो केस के चर्चा में आने के बाद आया, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की कि ये सही है, वो डिसाइड की दानियल लातिफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो इसका सही होगा आंसर बी, बी इज़ करेक्ट इन 1900, सॉरी इन 1902 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया आर करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिकॉर्ड टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया इज ऑब्लिक और करेक्ट। द डिटेन्यू हैज़ नो राइट, ठीक है, अदर देन दोज मैंशनड इन द क्लास नंबर 4 एंड 5 ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेंटेंस, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है, ये आर्टिकल 22 के अंडर में, ठीक है, प्रिवेंशन डिटेंशन के मामले में सही नहीं है। अगला है, डेटेन्यू हैज़ अ राइट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ऑलरेडी इन जेल व्हेन द डिटेंशन ऑर्डर वॉज पास्ड। ये सही है, डिटेंशन ऑर्डर जब पास किया गया तो वो जेल में था, तो ऐसी स्थिति में तो उसे डिटेंशन ऑर्डर से बेनिफिट फंडामेंटल राइट के रूप में मिलेगा। अगला है, द डिटेन्यू कैन क्लेम बेल ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज बीन इन प्रिजन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। दिस इज़ रॉन्ग। तो एक सही है स्टेटमेंट, सेकेंड वाला, तो बी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 102nd नंबर का, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। अ मेंबर ऑफ लोकसभा डज नॉट बिकम डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ इफ द मेंबर वॉलेंटरली गिव अप हिज ऑब्लिगर मेंबरशिप ऑफ द पोलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच ही ऑब्लिक सी वॉज इलेक्टेड। तो अगर वो जो है वॉलेंटियरली छोड़ दिया जाता, वॉलेंटियरली जो है पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली अ मेंबर ऑफ लोकसभा डज नॉट बिकम डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ द मेंबर, या एंटी डिफेक्शन लॉ से क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ से है, एंटी डिफेक्शन लॉ से है जो शेड्यूल नंबर 10 में गिवन है, शेड्यूल नंबर 10 में गिवन है। पहले मैं एलोबरेट कर देता हूँ आपको, शेड्यूल नंबर 10, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई किसी हाउस का मेंबर किसी पार्टी से इलेक्ट होके आता है और पार्टी उसे पार्लियामेंट्री वर्क के लिए बुलाती है और नहीं आता है, तो उसका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में। दूसरा कंडीशन, अगर मेंबर आता है और पार्टी में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर पार्लियामेंट्री वर्क के लिए पार्टी द्वारा बुलाया जाता है और आता है, आने के बाद वो क्रॉस वोटिंग कर देता है, यानी कि अपने पार्टी के खिलाफ वोट दे देता है, तो भी मेंबरशिप उसका डिसक्वालीफाई हो सकता है। तीसरा, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर चुनाव जीत के आया है, ठीक है, और उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसका मेंबरशिप डिसक्वालीफाई हो जाएगा। चौथा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो तो 6 महीने के बाद, 6 महीने तक तो वो फ्री है, एंटी डिफेक्शन लॉ उसे 6 महीने तक नहीं लगेगी, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो मेंबरशिप किसी पार्टी के लेता है तो उसका उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्पोज होगा, ठीक है, ऐसी स्थिति में उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चार कंडीशन हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है कि अगर अगर कोई पार्टी ही किसी को निकाल देती है, स्क्रैप कर देती है, कि कोई पार्टी ही किसी मेंबर को निकाल देती है, तो ऐसी स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग उसका मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन
इसी रेफरेंस में है आते हैं। तो कौन से ऐसे होंगे, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसमें उसमें मेंबर को मेंबरशिप से कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें वॉलेंटियरली अगर छोड़ता है, ठीक है, यहाँ पर वॉलेंटियरली गिव्स अप हिज ऑब्लिगार मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम हिज ऑब्लिक ही वॉज इलेक्टेड। तो पहला वाला स्टेटमेंट्स जो है वो पहला वाला स्टेटमेंट आंसर नहीं होगा। दूसरा, इफ इज एक्सपेल्ड बाय द पोलिटिकल पार्टी फ्रॉम वी ही ऑब्लिक सी हैड बीन इलेक्टेड टू द हाउस, दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टी ने किसी मेंबर को अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया है तो उसका मेंबरशिप कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है वो शेड्यूल से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें संस्कृत, उर्दू और नेपाली लिखा गया है, ध्यान देना, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली ये सारी भाषाएं लिखी गई हैं, इंग्लिश नहीं लिखा गया है। इंग्लिश किसी की राजभाषा हो सकती है, लेकिन भले ही उसे शेड्यूल नंबर 8 में नहीं लिखा गया है, नागालैंड की स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से शेड्यूल नंबर 8 में 14 भाषाएं थी, एक भाषा सिंधी 1967 में 21st अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, तीन भाषाएं जो है 1992 में तीन भाषा जोड़ी गई, 1992 में तीन भाषा जोड़ी गई, 1992 में तीन भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तीन भाषा जोड़ी गई। इसके बाद 2003 में ठीक है 92nd अमेंडमेंट में करके चार भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली। बोडो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, संथाली झारखंड छत्तीसगढ़ में, बिहार में भी, खासतौर से झारखंड और बिहार में और छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा झारखंड में। डोगरी हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर में, ये जो बोडो है जो मैंने गलती से हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर कहा, ये ना ख़ासतौर से असम असम और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, जबकि संथाली झारखंड में प्रोमिनेंटली, डोगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में, मैथिली बिहार में मधुबनी क्षेत्र में। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है 112 नंबर का क्वेश्चन है, द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वॉज इंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 2003, दिस इज 2003, ठीक है। भारत में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन भारत की नागरिकता जिसके पास नहीं है लेकिन वो भारत में उसके माँ बाप यानी कि गार्जियन के रूप में कोई एक पैदा हुआ है जिससे उसे एक बार नागरिकता मिली थी, लेकिन वर्तमान में भारत नागरिकता उसके पास नहीं है, दूसरे देश की है, तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, PIO, ऐसे PIO जो भारत के लिए नागरिकता के लिए प्रयास करने लगे, डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होने के ना कॉन्सेप्ट होने के कारण भारत ने उन्हें नागरिकता तो नहीं दी, लेकिन एक अलग से डबल सिटीजनशिप प्रोसेस के तरह एक अलग सिटीजनशिप उनको दी, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 2003 में अटल बिहारी सरकार ने इसको शुरुआत किया था, जिसमें लाइफ टाइम वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा, लाइफ टाइम पुलिस वेरिफिकेशन, कॉमर्शियल लैंड परचेज करने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को दी गई।
और एक ओसीआई कार्ड जारी किया गया, निवृत्ति राय जी को पहला कार्ड मिला था। द राइट, अगला क्वेश्चन है 113 नंबर का, द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 2002। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 86 अमेंडमेंट करके 2002 में 21A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया फंडामेंटल राइट के रूप में, जिसमें राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था की गई 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन के लिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की प्रोविज़न को यहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है, दिस इज़ द टोटल सॉल्व पेपर ऑफ 2016 CDS फर्स्ट फॉर पॉलिटी।